मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। इस समय की एक बड़ी और ब्रेकिंग खबर वसई से, जहां मणिकपुर पुलिस थाने की हद में वसई पूर्व अंतर्गत सेलिब्रिटी होटल के सामने HDFC बैंक के पास स्थित परमार इंटरप्राइजेज नाम की कंपनी के मालिक किशन सिंह परमार उर्फ धीरू, जो कि राजस्थान के राजसमंद जिले का मूल निवासी है, उसकी संदिग्ध परिस्थिति में अपनी ही ऑफिस में लाश मिलने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। घटना कल शाम की है। मामले की जानकारी पर मणिकपुर पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि सूत्रों से मिली हुई जानकारी एवं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह भी खबर मिली है कि मृतक किशन सिंह के हाथों से एक नोट पुलिस को बरामद हुआ है, जिसके बाद प्रथम दृष्टया मामला मृतक द्वारा खुद अपनी जान देने का लग रहा है। फिलहाल पुलिस जांच करते हुए पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या मृतक ने खुद अपनी जान दी या किसी ने मृतक के साथ साजिश रचते हुए मृतक का कत्ल किया। हालांकि जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाती, मामले पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। आपको यह भी बताते चले कि मृतक जमीन के लेन देन का व्यवसाय करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। अभी ये हादसा मालूम नहीं है कि सुसाइड हुआ है, डिप्रेशन हुआ है कि एक्सटर्शन हुआ है। तो उनका रहने का है राजस्थान में राजसमंद जिला खमनौर तहसील बोरू की भागल फतेहपुर, ये उनका रहने का था वसई ईस्ट में। ये सेलिब्रिटी होटल के बाजू में एवरसाइन नगर, जहाँ इनकी ऑफिस थी, वहाँ से डेड बॉडी मिली है। लेटर मिला है उनके हाथ में, एक लेटर मिला है, जो लेटर पुलिस वालों ने लिया है, वो लेटर का अभी तक खुलासा कुछ भी नहीं हुआ है कि वो लेटर में क्या लिखा था, किसके वजह से क्या हुआ है। कैसे सिंह जी, आप एक समाज के अध्यक्ष, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना हूँ, बहुत दुखद घटना है। ये हमारे भी समाज के कार्यकर्ता थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे किशन सिंह, राजपूत बोरू की भागल वाले। दुखद घटना, पूरी समाज हम आक्रोश में, और ऐसा भी जो हमारे समाज के ऊपर बहुत गिरा है, उसके लिए बहुत दुखद की घटना है। और इसके बारे में अभी तक एक फांसी में लटका है, अभी बॉडी पे नीचे उतारी गई है, और अब पुलिस को इसका एक लेटर मिला है उनके बारे में। तो अभी चालू है, तब पुलिस वाले बोल रहे हैं तब तक चालू है, अभी जो भी है वो आगे कार्रवाई करेंगे। हमारी जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हम बॉडी नहीं लेंगे, ये हमारी पूरी समाज की मांग है। और जब तक बॉडी का पूरा नहीं होगा पूरा, तब तक हम लोग खुलासा, तब तक हम लोग बॉडी नहीं लेंगे हाथ में, ये हमारी समाज की मांग है। और जब तक इनके साथ में क्या घटना घटी है, तो इसके लिए हम समाज पूरा धरना प्रदर्शन करेंगे, और हम पुलिस प्रशासन से यही चाहते हैं कि इनके साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, पूरा न्याय मिलना चाहिए, ये हम आश्वासन चाहते हैं पुलिस से। कुछ कारण पता चला गया क्यों किया इन्होंने ऐसा? ये कुछ प्रेशर की वजह से हुआ है ऐसा मामले में आया है, मगर अभी कुछ बताया नहीं। किसी ने मार के लटकाया है या किसी ने वोट लगाया, ये अभी तक पता नहीं पड़ा, अभी वो पोस्टमार्टम होने के बाद ही मालूम पड़ेगा। ये हम समाज पूरा खड़े हैं, और अभी सुबह में 400-500 लोग हम लोग आएंगे, और जब तक इसका पूरा काम नहीं होगा, जब तक हम बॉडी नहीं हटाएंगे, ये हमारी मांग है। मामला है ये, घटना का सूचित मिला मेरे को किशन सिंह जी की तरफ से, इनके चाचा की तरफ से। चाचा ने मेरे को कॉल किया कि ऐसा ऐसा बात है, तो मैं बोला जाके देखो, पहले पैर जमीन पे टच हो रहा है क्या? बोला जमीन पे पूरा पैर टच हो रहा है। तो बोला पूरा टच हो रहा है, तो फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन करो अपन बॉडी को हाथ में लगाने का, और बॉडी को पूरा रस्सी से खाली सरा दिया हुआ है, और अभी बॉडी उतारने के बाद फैन चालू किया, फैन वापस चल रहा है, जबकि फैन का कोई ब्लेड बैंड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा हादसे में फैन का ब्लेड बैंड होता है, कुछ भी होता है, पंखे का कुछ नहीं बिगड़ा, पंखा चल रहा है। तो वीडियो क्लिप आपके पास है? हाँ, वो जो वीडियो क्लिप है वो आपके पास है? वीडियो क्लिप अमूलचंद के पास है, मैंने नहीं लिया, फोटो है हमारे पास। तो आपके समाज के लोग क्या चाहते हैं? इसका पूरा जांच होने के बाद ही बॉडी हम लोग हाथ में ले लिया है, मिला है, पुलिस ने नहीं बताया, पुलिस ने ले लिया है। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।